आऊं है रजित और मेरे साथी कैमरामैन अंकुश। आऊं तो सन हराने चल रही दुनिया रे खतरनाक जंगलन में कैंसे बेची सकता है। आऊं एरी जगान पर गाने वाले जड़ी तुस बगैर हुनरे घरे वापस ना पूजी सकत। इस बार आऊं चल रही कुंजवान रे घने जंगलन में जा दुनिया रे खतरनाक जंगलन मेरा आके। इड़ी हर जगह ही खतरे खतरे सपरे। इड़ी मौसम भी कड़ी परीक्षा गिनते मैनरी। जल्दी से जल्दी सर ढकने का ठिकाना नहीं मिला तो हम बारिश से पूरे भीग सकते हैं। अब कदम बढ़ा ले तो तुझे दूई पत्रों गाने चाला फिर आऊं तुसे नहराते ही की ठबेस्ता कैंसे घरे पुजोते। अज इसी पहली दिहाड़ी है दस तुस नहरा ले भद्रवाही मैन वर्सेस वाइल्ड हिंदी में ताकि सारी लोगन समझने में आसानी होए जना बदला ही नहीं। यहाँ से होते हुए हम अपना सफर शुरू करेंगे। हम आपको दिखने जंगलों में कैसे सर्वाइव किया जाता है। जंगल आइए दोस्तों देखते हैं अब हमारा सफर कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म। ध्यान से कैमरा मैन चारों तरफ घना जंगल ही जंगल है। दूर दूर तक यहाँ पे कोई घर कोई इंसान नहीं नजर आ रहा हमें। तो जूम करके दिखाएं वो देखिए क्या मिला है। हमारे रात के भोजन का इंतजाम हो सकता है। देखिए थोड़ा जूम करके दिखाएं थोड़ा नजदीक जाके देखने की कोशिश करते हैं ये क्या है। पांडा लग रहे हैं पांडा आइए देखते हैं पांडा लग रहे हैं। निजी बांदरन बांदरन बेड़ो गार किसी चला वापस। देखिए आपने जैसे कि देखा कितना खतरनाक जानवर हमें अभी मिला था लेकिन हम इसके पास जा नहीं सकते हमारे पास औजार मौजूद नहीं है। चलिए आगे कुछ और ढूंढते हैं। कैमरामैन थोड़ा ध्यान से जूम करके दिखाए देखो अब हम पहुंच गए ऐसी जगह पे जहाँ पे आज से 70 साल पहले राजा हरि सिंह रहा करते थे अपनी इकलौती बीवी के साथ। चलिए दिखाते हैं आपको। मिश्रा जी आइए कैमरामैन को मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इसको फोकस करें। ये है राजा हरि सिंह का महल। ये देखिए 70 साल पुराना महल। यहाँ पे वो अपनी इकलौती बीवी के साथ रहा करते थे। देखिए आपको कैमरामैन को दिखाऊंगा थोड़ा उनका पूरा व्यू दिखाएं आपको। आओ पत्थर से ओ जी खिरकते भी हैं हम जरा ध्यान से कैमरामैन। ये देखिए ऐसा इलाका था यहाँ यहाँ पे राजा हरि सिंह रहा करते थे। ये देखिए चारों तरफ जरा जूम करके दिखाएं ये पार्क। ये देखिए देखिए अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी झड़ी भी हो रही है जिसकी वजह से हमें थोड़ी शूटिंग बंद करनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब लग रहा है छिजने का चांस हो रहा है। ज़रा दिखाएं इनको बारिश यहाँ की। इस पेड़ को तो आप पहचानते ही होंगे और ये पेड़ देखिए आप सोच रहे होंगे मैं जंगल में क्या चुबा रहा हूँ लेकिन जब आपके पास पानी ना हो आप इसको चबा के पानी का सेवन कर सकते हैं। हाँ जी इससे आपका गला नहीं सूखेगा प्यास नहीं लगेगी
यही है वो पेड़, देखिए गौर से देखिए। आइए थोड़ा और ऊपर चल के आपको कुछ और चीजें दिखानी है। देखिए बारिश बहुत ही तेजी से हो रही है, अगर हमें जल्दी से जल्दी सर ढकने का ठिकाना नहीं मिला तो हम बारिश से पूरे भीग सकते हैं, जिसकी वजह से हम सर्दी से बीमार भी पड़ सकते हैं। हमें जल्दी से जल्दी कोई सर ढकने का ठिकाना नहीं। काफ़ी थकान भी हो चुकी है और अभी तक रहने का कोई ठिकाना नहीं, हमें जल्दी से जल्दी रात होने से पहले रहने का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। आइए और लगता है हमें सर ढकने के लिए छत मिल चुकी है, आइए देखते हैं। बहुत ही काफी अच्छी जगह है, हम यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं, थोड़ा रात के लिए इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ ताकि हम अपने लिए भोजन ढूंढते यहाँ पे आके आराम से सो सके। अब ये सोने लायक हो चुका है, हम यहाँ रात को सो सकते हैं और यहाँ पे हम आग भी जला सकते हैं ताकि कोई जंगली जानवर नज़दीक ना आए। चलिए अब हमें भोजन का इंतज़ाम करना पड़ेगा और रात को आके हम यहाँ पे ही रुकेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।